बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने चाट, वो भी थोड़े से स्पेशल किस्म के चने चाट होंगे। और ये चने चाट के लिए हमने सारा सामान ले लिया है। कौन कौन सा सामान है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने आलू ले लिए हैं। आधा किलो आलू को हमने उबाल कर के ये काट के रख लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत। उसके बाद हमने एक पाव चने लिए हैं। एक कप चनों का हमने उबाल के इसको रख लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चने हमारे उबले हुए हैं। उसके बाद हमने दो बड़े टमाटर ले लिए हैं, उसको हमने काट लिए हैं पीसेस। उसके बाद दो बड़े हमने प्याज लिए हैं, उसको भी पीसेस काट लिए हैं इसी तरीके। उसके बाद दो अदर लीमू ले लिए हैं, उसके भी पीस ऐसे काट के रख लिए हैं। इसको ऊपर से छिड़केंगे। ये तीन से चार हरी मिर्चें ली हैं। जो तीन हरी मिर्चें थी वो ये रेड थी और दो हरी मिर्चें हमारी थी दूसरी ग्रीन वाली। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। और ये है मसाले खुशक। एक चम्मच मैंने सुरख मिर्चों का ले लिया और एक चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया और एक चम्मच मैंने नमक का लिया और एक चम्मच मैंने चाट मसाले का लिया। और ये सारा मेरा सामान है। ये देखिए माशाल्लाह जो हम चने चाट बनाने जा रहे हैं। आज की बहुत स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान शरीफ आ रहा है। रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि चने चाट बच्चे इफ्तारी में बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। ये मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करके उसके बाद ये मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम डाल लेंगे। अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम आलू डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने आलू डाल दिए। इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चने। उबले हुए चने मैंने डाल दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये प्याज। इसके बाद ऐड करेंगे टमाटर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरी और रेड मिर्च दोनों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके बाद खुश्क मसाला, सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला बिस्मिल्लाह रहमान। आपने स्पेस जरूरत डालना है इसके ऊपर। और लीमू इसके ऊपर डालेंगे हम बिस्मिल्लाह रहमान। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो आपने तेज़ मसाला डालना, अगर आप कम खाते हैं तो आपने कम खाना इसमें मसाला ऐड करना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना इसको। लीमू का रस ऊपर डालेंगे बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके से आपने इसको निचोड़ लेना। हमारे चना चाट तैयार हो चुके हैं। इसको कर लेंगे मिक्स। अब इसको निकालेंगे बाउल में। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे चने चाट तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको बॉल में निकाल लेंगे चना चाट को। ये देखिए माशाल्लाह मैंने बॉल में डाल लिए चने। चने चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह।